साधुओं साधकों अभिन्न मित्रों हमसे जुड़े हुए सारे लोग जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी नमो नारायण। क्योंकि संत की तो वृत्ति ही होती है कि खुश रहें वो जो हमें जानते हैं और उनसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं जो हमें जानते नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं योग संयोग की, सुखों की और दुखों की। वास्तविकता मेरे मित्रों, सुख या दुख एक फीलिंग है, एक एहसास है, एक आभास है, एक अनुभूति है जिसे हम कर लेते हैं। भौतिक सुखों के योग से सदैव रोग का आमंत्रण होता है। आज का विशेष सब्जेक्ट ये है। अब हमारे न्यू जनरेशन्स के लोग, भौतिक युगों में उड़ान भरने वाले लोग थोड़ा सा अटपटा समझेंगे कि भौतिक युगों से हमें रोग, भौतिक सुखों से हमें रोग कैसे मिलता है। हम आपको बताते हैं कि आप भौतिक सुखों में लिप्त होकर रोगी कैसे बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें 5000 वर्ष पुराने भारतीय संस्कृति के इतिहास को देखना पड़ेगा, हमें हमारे महापुरुषों को देखना पड़ेगा, हमें हमारे बुजुर्गों को देखना पड़ेगा। क्योंकि सनातन की शक्ति ही है हमारे महापुरुषों का इतिहास। हमें हमारे महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा। भौतिक सुखों के योग से हमें कैसे मिलते हैं एक नए नए रोग, बताते हैं हम आपको। पूर्व समय में हमारी माताएं भोजन के लिए गेहूं चक्की में अपने घर में आटा पीस करके तैयार करती थी और उसे खाकर हम इष्ट पुष्ट होते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक चक्कियों के आटे को हम खा रहे हैं, नो डाउट। जब ये गेहूं उस चक्की में जाता है, पीसा जाता है, उसमें बर्निंग होती है और उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। पूर्व समय में हम चूल्हे की बनी हुई रोटियां खाते थे, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते थे और अक्सर आटा गूंथने का जो पात्र होता था वो लकड़ी का होता था और उसे खा करके हम सदैव निरोगी रहते थे। उस समय हमारे यहाँ साधारण एक मानव की आयु हुआ करती थी 160 साल से 200 साल तक लोग जीते थे और अब जो महापुरुष हमारे बुजुर्ग पहले के हैं वो 100 के ऊपर भी जाते हैं, बाकी की तो 80 की भी गारंटी नहीं होती है। डिपेंडेड योर ईटिंग फूड्स, डिपेंडेड योर बिहेवियर, आप क्या चाहते हैं और क्या खाते हैं, कैसे रहते, इस पे अब हम आपको समझाना चाहते हैं। पूर्व समय में हमारे घरों की स्वच्छता के लिए गाय की गोबर से लिपाई होती थी। गाय के गोबर से ज़्यादा कीटनाशक कुछ भी नहीं है। गाय के गोबर से जब जमीन की लिपाई होती थी उसमें एक अजीबोगरीब सुंदर प्यारी सी सुगंध आती थी। उससे गुरुत्वाकर्षण क्षमता पृथ्वी की बढ़ जाती थी, उससे हमारे आसपास की नेगेटिव एनर्जीज दूर चली जाती थी। समय बदला, कुछ समय के बाद लोगों ने सीमेंट से लेकर के घर के अंदर प्लास्टर खोभा बनाना चालू किया। उसके बाद में हमारे घरों में पॉजिटिव एनर्जी नहीं रह गई, हम रोगी होना शुरू हो गए। अब समय आया, हमने घर में टाइल्स मार्बल्स लगा दिए जिनका नेचर हमेशा ठंडा होता है, शीतल होता है। आपके बॉडी का टेम्परेचर 98 होता है और आप उस टेम्परेचर में वर्क करते हो। आप अगर फील करेंगे, आप बाहर से आकर के अपने सॉक्स अपने शूज को निकाल करके जब उन फर्शेस पर पैर रखते हैं तो आपको एक अजीबोगरीब शीतलता सी महसूस होती है और वो सत्व आपके शरीर में चढ़ जाता है और आपको कफ और वात की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो हुआ ना भौतिक सुखों से रोग का आमंत्रण। अब हम आज नए जनरेशन पे आते हैं। एसी, एयर कंडीशन में रहना हमें बहुत पसंद है। आपको पता है ये एसी हमारे लिए प्रकृति का तो नुकसान करता ही है, प्रवृत्ति का भी नुकसान करता है, साथ में आपके शरीर को भी नुकसान देता है। आप अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के निकलते हो,
बाहर धूप में निकलते हो, आपका बॉडी टेम्परेचर उसे मैनेज नहीं कर पाता, उस हीटिंग टेम्परेचर से आपके शरीर में पसीना आता है और धीरे धीरे करके रोम छिद्र बंद होते हैं, आपको स्क्रीन की बीमारी लग जाती है। आप एसी से बाहर निकलते हो, धूप में जाते हो, गर्मी में जाते हो, हीट एंड कूल वेदर क्लाइमेट मैनेज नहीं होता है, बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती है और आपको माइग्रेन जैसी बीमारी लग सकती है, आपको हाइपर एसिडिटी बनने लगेगा, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, यानी आपको कूल होने के लिए कम से कम एक घंटे का समय चाहिए। और मित्रों, अगर हम दो मिनट के लिए इरिटेट होते हैं तो 6 आवर्स हमारे खराब हो जाते हैं। इस तरीके से एसी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन हम नहीं रह सकते उसके बिना। हम भौतिक सुखों के आदि होकर अपनी आयु को कम कर रहे हैं, ये हो गया हमारे शरीर के नुकसान। प्रकृति को कैसे नुकसान करते हैं आप नोट करिए जरा। अगर आपने एसी लगाई हुई घर में तो एसी से जो रिटर्न पाइप से पानी आता है उसको एक बार आप नापिएगा जरा, 24 घंटे में वो पानी 2.5 लीटर से ज़्यादा होता है। उसमें कितने डाला पानी, किसने डाला पानी, वो हमारी प्रकृति के मॉइस्चराइजर को जो मानसून निर्मित करता है उस जल को अपने में शोषित कर करके आपको शीतलता जरूर देता है, प्रकृति का विनाश करता है। यही कारण है कि जहां पर भी जिन सिटीज में भी इस तरीके की व्यवस्था है वहां पर पानी की बरसात नहीं होती है, वहां पे बैक्टीरियाज फैलते हैं, वहां पे पोल्यूशन फैल जाता है, क्योंकि वो हमेशा प्रकृति का नुकसान करता है। तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसमें पले हैं बढ़े हैं एक पैक बंद करें, लेकिन जहाँ तक हो सके इस भौतिक सुखों से स्वयं को दूर रखें और अपने आप को दीर्घायु बनाएं। अब हम बात सोफे की करते हैं, अब हम बात करेंगे कुकर्स की, अब हम बात करेंगे गैस सिलेंडर्स की, अब हम बात करेंगे सनलाइट इफेक्शन मोबाइल्स की, ये सारे हमारे लिए नुकसान के सिवाय कुछ नहीं। आप अगर गौर करिए, चार तरफ से एक एक मोबाइल रख दीजिए, बीच में एक मक्के के 10 दाने डाल दीजिए, चारों मोबाइल्स पे अगर आप एक साथ 3 टाइम कॉल करते हैं, 3 टाइम घंटी देते हैं, तो उसकी हीटिंग इतनी विचित्र होती है कि उसके अंदर का कच्चा मक्का लावा बन करके फूट जाता है। अगर एक साधारण मक्का उसके हाइपर ब्रेम से सिर से लेकर के उसके एनर्जी से लेकर उसके साइड इफेक्ट से अगर लावा बन सकता है और हम 1.5 घंटा उस पर लगकर अगर बात करते हैं तो हमें कितना नुकसान होता होगा। इसलिए इससे भी थोड़ी दूरी बनाए। हमारे महापुरुष मूर्ख नहीं थे, पत्र व्यवहार करते थे, संदेशा भेजते थे, अब तो ये मोबाइल आ गया है, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें बच्चों का एजुकेशन लॉस होता है, हमारे संबंधों में दरार आती है, हम माता पिता पुत्र बाबा दादा एक साथ बैठे जरूर होते हैं लेकिन हम एक दूसरे का चेहरा देखकर कभी बात नहीं करते, वो अपनी मोबाइल में घुसा हुआ है, वो अपनी मोबाइल में घुसा है, यानी आपके संबंधों में भी विकराल करता है। एक दिन आपकी बेटी कहती है, जब मौका मिला मोबाइल में घुसी रहे, पिता हमारे लिए टाइम नहीं। अर्धांगनी कहती है, इसी में घुसे रहोगे, हमारे लिए टाइम नहीं। अस्तु, इन भौतिक सुखों से थोड़ा थोड़ा सा दूरी हमें बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारा जीवन सदैव दुखद होता चला जाएगा। हम सोफे की बात करते हैं। पुरुष समय में सनातन में शयन की व्यवस्था तकत पे हुआ करती थी या फिर जमीन में हम सोया करते थे। जब हम तकत पे सोते हैं हमारा स्पाइन कोड सीधा होता है, हम तकिया नहीं लगाते हैं और हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कंटिन्यू होती है, हमें कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से सफरिंग नहीं करनी होती है। अस्तु, और आज भी वो डॉक्टर्स कह रहे हैं, विरोधाभास कहाँ हो रहा है, जब हमारे महापुरुष कह रहे हैं आप सुन नहीं रहे हो। आज आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं तो आर यू एक्सेप्टेड, अब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, लंबर में थर्क में हो गया है, आपके स्पाइन कोड में गैप आ गया है, अब डॉक्टर कह रहा है अब आपको गद्दे पे नहीं सोना, हार्ड बेड पे सोना, वजन नहीं उठाना, अब एक्सेप्ट कर दो। तो ये मानो है ना बड़ा मूर्ख है, जब भी इसे फायदे की बात करो ना ये उसको उल्टा समझता है। दशा ऐसी होती है, एक बंदर
बरसात में खड़ा होकर भीग रहा था। एक गौरैया पक्षी घोंसले में बैठी थी, उसे दया आ गई और उसने उसे सलाह दी। उसने कहा, हस्तपाद समायतो दृश्य से पुरुषाकृति। अरे भाई, आपके हाथ पैर बड़े सुंदर हैं, आप पुरुष के जैसे दिखाई पड़ते हो। अगर आपने पहले से घर बना लिया होता तो आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ता। अब आप बताइए, सलाह अच्छी थी या बुरी? लेकिन उल्टा हुआ, बंदर क्रोध में आया और उसने गौरैया का भी घोंसला उजाड़कर फेंक दिया। अच्छा, तू मुझे ज्ञान सिखाएगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। कोशिश करता हूं जगाने की, मुझे पता है इतनी जल्दी तुम लोग जगने वाले नहीं है, क्योंकि जो सोया हो ना उसे जगाया जा सकता है, और जो सोने का नाटक करता हो ना उसके लिए नाटक करना पड़ता है, फिर उसकी समझ में आता है कि कहावत क्या है। क्योंकि व्यक्ति का नेचर है, जब तक उसका विनाश नहीं होगा तब तक उसे अपने गलतियों का एहसास नहीं होगा और आने वाले सुखों का आभास नहीं होगा। आहार विहार पे अब हम बात करते हैं। पूर्व समय में हम भोजन हाथों से करते थे, अब चम्मच आ गया। हाथों से जब हम भोजन करते हैं, इनमें से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत सारे पोषक तत्व जनरेट होते हैं। उसका रीजन था, भोजन कभी भी चबा के खाना चाहिए। आयुर्वेद में यह प्रमाण है कि एक निवाले को 32 बार चबा के खाना चाहिए, तब पाचन रस शुद्ध बनता है। और आप 5 मिनट में पूरा भोजन करके तैयार होते हैं, ऊपर से खड़े होकर पानी पीते हैं। ध्यान देना, अगर आपकी उम्र है या नहीं भी है, खड़े होकर पानी पीना हमेशा प्रोस्टेट की बीमारियों का दावा है, न्योता है। इसलिए अगर किसी को प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स हैं या नहीं भी हैं, तो कभी खड़े होकर के पानी ना पिए, इससे आपके शरीर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम बात कर रहे थे आहार की। समय छिन पली, छिन पल और घड़ी की बात थी। आपने दाल लिया, चावल लिया, उसको मिक्स किया, हाथों से एक निवाला मुंह में डाला। अब आप दूसरा निवाला जब तक मिश्रित करते हैं तब तक आप उसे चबाते रहते थे, इसलिए पाचन रस बिल्कुल सही था और आपको कभी डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रॉब्लम नहीं होता था, आपको कभी कॉन्स्टिप्यूशन नहीं होता था, आपको कभी बद्ध कोष्ठिता नहीं होती थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो स्वाद इन हाथों से भोजन करने में है वो चम्मच से नहीं, भूल जाइए आप विदेशी तकनीकी। ये तकनीकी हमारे सनातन को और हमारे भारतीयों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया। वो समय भी याद दिला देता हूं जब इसका निर्माण हुआ। 1943 में दो अंग्रेजों ने रिसर्च किया इंडिया में कि यहां पर कितने लोग साक्षर हैं। एक का रिपोर्ट आया 80%, एक का रिपोर्ट आया 100%, यानी हमारे भारत में पहले से ही लोग साक्षर हैं। और वो साक्षरता कहां से आई? गुरुकुल की परंपरा से। गुरुकुल कैसे चलते थे? उन्हें ना तो गवर्नमेंट चलाती थी, ना कोई उद्योगपति चलाता था, गुरुकुल हमेशा समाज के सहयोग से चला करता था। इन्होंने देखा गुरुकुल की परंपरा क्या है। गुरुकुल में हमें सिखाया जाता था शिक्षा, संस्कार, कला, कौशल, शास्त्र, शास्त्र और एक दूसरे के प्रति समर्पित मर्यादा जीवन जीने की कला। और जिसके पास जीवन जीने की कला नहीं हो, जिसके पास वैचारिक क्षमता नहीं हो, जिसका विवेक शून्य हो, उसके लिए अक्सर मैं कहा करता हूं कि निर्धन होना निधन के बराबर है। जो वैचारिक निधन होता है, जिसके पास विचार ही नहीं होते आदान प्रदान के लिए, जो दूसरे के सुखों में आनंदित नहीं होता, उससे बड़ा निर्धन इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों का निर्धन होना, वैचारिक ज्ञान प्रखरता संस्कार और वेदों से विमुख होकर के निर्धन हो जाना निधन के बराबर होता है। इसीलिए हमारे नीति श्लोक में कहा गया, केशाम विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। अस्तु, ध्यान रखें भौतिक सुखों से वंचित हों और प्रकृति से जुड़कर अपनी प्रवृत्ति को सुधार लें, इसी में भलाई है। हम अपने बिंदु पे आते हैं। उन्होंने रिसर्च किया, देखा कि भारत में लोग 80% 100% साक्षर थे। कहाँ से थे? गुरुकुल की परंपराओं से। उन्होंने सबसे पहले
गुरुकुल को अवैध बताया। अब गुरुकुल को अवैध बताया तो गुरुकुल में आने वाला सहयोग भी अवैध हो गया और गुरुकुलों में आग लगा दी गई। धीरे धीरे उन्होंने पहली यूनिवर्सिटी हैदराबाद में डेवलप की, फिर दिल्ली में डेवलप की, फिर कहीं किया और अपने बाप को लेटर लिख करके दिया कि फादर आई एम सेटिस्फाइड। आज इंडिया पूरी तरीके से गुलाम हुआ। राजपाट छोड़ करके तो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी होगी, जो ऊंचाइयों पे गया है उसे जमीन पे भी आना है। इसलिए आने वाले कल का पल का भरोसा नहीं है, वर्तमान में इंजॉय करो, वर्तमान में आनंद लो, सांस अंदर गई बाहर आएगी ये भरोसा नहीं है। उसने लिखा कि आज हमने जो किया है, अब भारत में लोग पैदा जरूर इंडियन होंगे लेकिन उनका दिमाग हम अंग्रेजों जैसा बना देंगे, इन्हें सनातन से, प्रकृति से, प्रवृत्ति से विमुख कर देंगे। और आज वैसा आप लोगों पर हो चुका है, आप भौतिक सुखों के गुलाम हो चुके हैं। पूर्व समय में घर में विवाद होता था, माता पिता पुत्र में विवाद होता था, वो परंपरा थी। अच्छा बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ता, आप तो सही हो जा। लेकिन आज बच्चा जब गुस्से में आता है तो अंग्रेजी बोलता है, पढ़ा लिखा इंसान जब बड़ा होता है तो अंग्रेजी में बोलता है, उसे हमारे सनातन के शब्दों का ज्ञान नहीं। उन्होंने आपको चम्मच दिए। चम्मच का मतलब क्या? आपकी बॉडी की एनर्जी अन्न को ना टकराए, आप दूर से ही करें, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। ब्राजील जैसे कंट्रीज में पहले से ही पीने योग्य पानी नहीं हुआ करता था, वहाँ के लोग ज़्यादातर बियर पिया करते। हमारे इंडियन ने जाकर बताया इसे बॉयल करके पिया करो, ये रोग नहीं सो जाएगा। भारत में भारतीय संस्कृति और विद्वता का कभी भी महत्व नहीं समझा गया। देश में सत्ता किसी भी सरकार की आई हो, आज भी नीम के पेड़ का पैटर्न अमेरिका के पास है, बासमती चावल का पैटर्न अमेरिका के पास है, हल्दी का पैटर्न अमेरिका के पास है। आपके पास है क्या? आप कल भी गुलाम थे, कल आप शासकीय सत्ता से गुलाम थे, आप वैचारिक रूप से, प्रवृत्ति के स्वरूप से, हाव भाव से और विचारों से आज भी आप गुलाम हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भौतिक युगो में जाकर के अपने दीर्घायु होने की इच्छाओं को देखें और भौतिक युगों के भौतिक सुखों से दूर हो जाए। नो डाउट। आपको एक लास्ट एग्जाम्पल देते चलूंगा। आपके घर में अगर सोफा है तो आप उसकी ड्राई क्लीन 100 बार करते हैं, आपके घर में एसी है उसको 5 बार साफ करते हैं, आपके दरवाजे पे कार है खुद खाने के लिए रोटी नहीं रहेगी लेकिन उसे शैम्पू से वॉश करते हैं, घर की स्वच्छता के लिए आपके पास आदमी नहीं होगा लेकिन बाहर समाज को दिखाने के लिए आपके पास सब कुछ होता है। मेरे भाई ये सब आपने किसके लिए किया? इस शरीर के लिए, इस बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और एक टाइम लिमिट ऐसा आएगा मेरे बंधु जब आपके पास बच्चे नहीं होंगे, जब आपके साथ परिवार नहीं होगा, आपका यह शरीर ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दशा क्या होगी? पहले पैदल चलते थे तो सोचा साइकिल से जल्दी पहुंच जाएंगे, साइकिल से चलने लगे लगा मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंच जाएंगे, मोटरसाइकिल से चलने लगे तो लगा कार से जल्दी पहुंच जाएंगे, और कार पर जब चलने लगे वजन बढ़ा लिया तब डॉक्टर ने कहा फिर से पैदल चलो। इट इज रिसाइकल सिस्टम ऑफ द ग्लोबल। इसलिए धरातल पे ही रहना आपके लिए भी उचित है। जीवन में पतंग मत बनो कि डोर दूसरे के हाथ में हो, पेड़ बनो, वृक्ष बनो कि जितना ऊपर उतना नीचे आ जाए। प्रकृति से जुड़े रहो, प्रवृत्ति से जुड़े रहो, वेदों को जीवन में आकर अनुकरण करके वेदना मुक्त रहो, यही मेरा निवेदन रहेगा। हमारी तरफ से सभी लोगों को साधुवाद। सदैव सनातनी रहें, सदैव प्रकृति से जुड़ करके चलें, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रहें, भौतिक सुखों का त्याग करें, प्राकृतिक सुखों का आनंद लें, यही मेरा निवेदन रहेगा। ओम नमो नमः।